ग्वालियर में सरपंच विक्रम रावत की हत्या का षड्यंत्र रचने और इस अंजाम देने के पीछे इंदौर के पीएफ कमिश्नर मुकेश रावत का नाम सामने आया है। पुलिस ने मुकेश रावत, अतेंद्र रावत, पुष्पेंद्र रावत, बंटी रावत और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस सभी आरोपी की तलाश कर रही है। सभी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तनाव को देखते हुए सरपंच के गांव में 300 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। बता दें कि पड़ाव इलाके के लोको एरिया में सोमवार सुबह बनहेरी से कांग्रेस समर्थित सरपंच विक्रम रावत की हत्या कर दी गई थी। बाइक और एक्टिवा से आए हमलावरों ने गोलियां चलाई। घटना शहर के जाने माने वकील प्रशांत शर्मा के कार्यकाल के नजदीक घटित हुई थी। पुलिस को घटना के सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिसमें दो बदमाशों के चेहरे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जबकि चार बदमाश अपने चेहरे को साफी से ढके हुए हैं। इनकी बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। कल ग्वालियर जिले में पड़ाव थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना हुआ था, जिसके अंतर्गत एक सरपंच बनहेरी श्री विक्रम रावत जी का कुछ लोगों ने गोली चला करके हत्या किया था। इस गंभीर घटना को लेकर पुलिस प्रशासन आरोपियों को चिन्हित करने में सफल हुए और आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए पार्टियां जगह जगह पर गई हुई है। उम्मीद करेंगे सफलता जल्दी मिलेगा। कितने लोगों को मामले दर्ज किए गए? मामला एफआईआर में जो दर्ज है नामजद वो है हमारे पास, और कुछ लोगों को जो हमने चिन्हित किया उनको भी आइडेंटिफाई किया और पार्टियां लगी है गिरफ्तारी के लिए, और उम्मीद करता हूं कि जल्दी से गिरफ्तारी।